वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गोदी मीडिया के पापा और अंधभक्तों के बाबा पुरुष नहीं महापुरुष हैं। आज हम इसी टॉपिक में बात करेंगे कि कैसे वह महापुरुष हैं। सुन के पैरों के तले जमीन खिसक जाएगी। तो बिना देरी के और बिना किसी बक चलो स्टार्ट करते हैं। मोदी का जन्म दो बार हुआ। पहला 29 अगस्त 1949 को उनकी डिग्री के आधार पर और दूसरा जनता की नजर में 17 सितंबर 1950 को। 1950 में पैदा हुए मोदी ने 6 साल की उम्र में ही वडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय बेचनी शुरू कर दी थी। वडनगर में तब केवल रेलवे ट्रैक होता था। रेलवे स्टेशन 1973 में तब बनाया गया जब मोदी 23 साल के थे। इंदिरा गांधी द्वारा 1975 से 1977 तक लगाए गए आपातकाल के दौरान मोदी अंडरग्राउंड हो गए बताए, लेकिन उसी दौरान 1978 में उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन भी कर लिया। मोदी ने दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन डिग्री के बिना ही 1983 में गुजरात विश्वविद्यालय में एंटायर पॉलिटिकल साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लिया। मोदी दुनिया के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास एंटायर पॉलिटिकल साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है। यहाँ तक कि गुजरात विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ने भी इस पाठ्यक्रम के बारे में तब सुना जब 2014 में मोदी प्रधानमंत्री बन गए थे। मोदी ने मास्टर्स में एंटायर पॉलिटिकल साइंस के डिग्री कोर्स में अकेले प्रवेश किया, अकेले परीक्षा दी और अकेले ही डिग्री भी ले ली। अभी तक किसी भी छात्र या प्रोफेसर ने मोदी के साथ पढ़ने का दावा नहीं किया है। भारत में कंप्यूटर आने से पहले ही मोदी की डिग्री कंप्यूटर ने छाप दी। 1978 में मोदी की डिग्री से पहले और उनके 10 साल बाद भी डिग्री विश्वविद्यालय के कर्मचारियों द्वारा हाथ से लिखी गई थी। 1992 में माइक्रोसॉफ्ट ने पाया कि मोदी की डिग्री 1978 में रविवार को तब छापी गई जब कार्यालय बंद थे।